हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। और आज मम्मा बनाने जा रही है शक्कर पारे, जो कि है मेरे फेवरेट। आधा बनाएगी मम्मा और आधा बनाएंगी भाई। ऐसा इसलिए क्योंकि पाई अच्छा बनाती है माँ से। तो चलिए रेसिपी देखते हैं, आपको भी पसंद आए तो आप भी बना सकते हो। बाय। तो देखिए गाइस, मैंने लिया है आधा किलो लक्ष्मी भोग मैदा। आप कोई सा भी ब्रांड ले सकते हो, मैं अक्सर यही लेती हूँ, काफ़ी अच्छा आता है। और मैं बना रही हूँ हाफ़ के जी, मतलब 500 ग्राम से आधा किलो का मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने, और कल मैंने आपसे शेयर की है नमक पारे की रेसिपी। तो सर्दी में बहुत भूख लगती है और बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, घर का बना हो तो ठीक है, वरना वो बाहर से खाने की ज़िद करते हैं। तो कुछ बना के रख लो, इसीलिए मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि चलो आपके लिए भी मैं भी हेल्पफुल हूँ। हल्का सा, बिल्कुल चुटकी भर मैंने इसमें डाला है नमक, मतलब कि थोड़ा सा। और उसके बाद मोयन डाला है मैंने इसमें, जो है वो नमक पारे से ज़्यादा मोयन डलता है। और फिर इस तरीके से अच्छे से पहले मोयन मिक्स कर लेंगे, और फिर हम आटा लगा लेंगे इसका, अच्छे से आटा गूंद लेंगे। आप पानी गर्म या ठंडा ले सकते हो, मैंने अभी थोड़ा सा गर्म लिया है क्योंकि अभी चल रही है ठंडी का मौसम। तो आपको मैंने बोला ना, मेरे को लगता है ठंडा, तो मैं थोड़ा सा ये लिया है गर्म पानी। तो ये टोटली आप पे ऑप्शन है, लेकिन अच्छे से देखिए मोयन मिला है। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम आटा गूंद लेंगे, ना बहुत ज़्यादा टाइट और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। जिस तरीके का आटा मतलब हम लगाते हैं अक्सर पराठों के लिए या पूड़ी के लिए, उसी तरीके का आटा हमें लेना है। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा ऐड इसलिए करना चाहिए, अगर एक साथ ज़्यादा डल जाए तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए, तो ये छोटी छोटी टिप्स बिगनर्स के लिए हैं जिन्हें आसानी होती है, जो वो अपनी लाइफ शुरू करते हैं उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता होता है, तो ये सब वीडियोज़ जो है उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो बस हम अच्छा सा आटा गूंद लेंगे और 20 मिनट उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, मैंने आटा लगा के 20 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, फिर अच्छे से इसे मल लिया है, मतलब बस वापस से गूंद लिया है। अब मैं ले रही हूँ छोटी सी लोई। अगर आप स्लैब पे बेल रहे हैं मेरे जैसे, मैं स्लैब पे ही बेलती हूँ रोटी भी, आपको पता है, तो आप अच्छे से बड़ा भी ले सकते हैं। अगर आपको चकले पे बेलने की आदत, थोड़ा छोटा क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा नहीं बेलेगा। अच्छे से फिर इस तरीके से बड़ी सी रोटी बनाकर, और हम डायमंड शेप में या आप दूसरी शेप में भी काट करना चाहते हो तो टोटली इट्स योर ऑप्शन, बट मैं डायमंड शेप में, मतलब तिकोना जिसे बोलते हैं, ट्रायंगल में, लंबे में, कैसे भी काट लीजिए, मटर जैसे हम बनाते हैं नमक पारे वैसे ही। लेकिन हाँ, ये नमक पारा नहीं बन रहा है, ये बन रहा है शक्कर पारा। तो बस इस तरीके से अच्छे से पहले बेल लीजिए। किनार जो है इसकी, किनारी पतली कीजिए, ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। और फिर इस तरीके से नाइफ लेके और अच्छे से आप इसे कट कर लीजिए, इस तरीके के छोटे या बड़े, वो भी टोटली आप पर ऑप्शन है, पर मैं कहूँगी कि छोटे ही, ताकि क्या होता है कि छोटे छोटे कट कर लीजिए, और बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो स्पेशली। और अब इसे हम इस तरीके से काट लेंगे, सारे इसी तरीके से हमको करना है। एक तरफ मैंने रख दिया है ऑयल होना गरम, तो ऑयल में इसे डालना है और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरीके से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, आँच जो है वो मैं हमेशा मीडियम पे रखती हूँ, नमक पारे या ये शक्कर पारे बनाती हूँ जब फ्राई करती हूँ। तो बस ये देखिए, तो ऑलमोस्ट ये मैंने सारे डन कर लिए हैं इस तरीके से। और अब हम बनाएंगे चाशनी। तो सबसे पहले आप इनको फ्राई कर लीजिए, और इनको ठंडा करना है, तो इसको पतला बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ये खास ख्याल आपको रखना है कि पतले नहीं होने चाहिए, थोड़े से मोटे ही होने चाहिए जब हम शक्कर पारे बनाते हैं तो, और ठंडे भी एकदम कर लेने हैं। अब हम बनाएंगे इसकी चाशनी। चाशनी के लिए जो है मैंने लिया है एक कटोरी पानी। इसकी चाशनी जो है वो दो तार की बनती है, तो इसलिए मैं ऐसा ही बनाती हूँ। और सच बोलूँ तो ये मैं नहीं, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, पर मैंने उनसे पूछा और वो मुझे हमेशा बताते हैं, और मैं भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, पर आज मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। जब ये बॉयल हो जाएगा, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 बाउल शुगर, चीनी, ये दाना चीनी जो होती है वो ही है क्रिस्टल शुगर। और अब इसकी बनानी है हमें चाशनी। तो देखिए, अगर आपके पास बहुत अच्छी वाली शुगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ देखिए इसको डालते ही ना इसका कलर हो जाता है खराब, तो इसको फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब ये बॉयल हो जाएगी, थोड़ा सा दूध ऐड करके हम इसे फ़िल्टर करेंगे। जो ऊपर झाग आते हैं आप उन्हें एक कटोरी में उतारते जाइए, तो ये सारा जो गंदगी है
चीनी की, वो हट जाएगी, आपको ख्याल रखना है। मैंने चाशनी का बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाया है, बनाया है प्रॉपरली आपको दिखाऊंगी भी, लेकिन मैंने दूध वूध ऐड करते नहीं दिखाया क्योंकि चाशनी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है 2 तार की, और इतना लंबा वीडियो मैं नहीं बना सक पाई। तो मैंने इस तरीके से आपको बता दिया है कि जैसे ये बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद दूध ऐड करके धीरे धीरे सारा जो भी इसका झाग बनेगा और मतलब गंदी होगी शुगर वो ऊपर आएगी, उसे आप अलग से कर लीजिए तो एकदम क्लीन हो जाएगी। थोड़ा सा दूध ऐड करने पे आपको पता ही होगा, अगर आप कहेंगे तो कभी मैं दूसरे वीडियो में डिटेल में आपको बना के वीडियो दे दूँगी कि चाशनी को कैसे क्लीन करते हैं। तो इस तरीके से मिक्स करते रहिए, देखिए शुगर जो है 80% 90% डिसॉल्व हो गई है, चलाते रहना है इस तरीके से। देखिए अब ये हो गई है, अब जो साइड में है ये गंदगी है, इसे आप उतारते रहिए। और अब जो है चाशनी बन गई है 2 तार की, चेक कर लेना है आपको। और फिर जो है मैंने एक बड़ी सी परात में ये ले लिया है, बर्तन में ही बड़े में लेना है, और सारी चाशनी को इसके ऊपर ऐड कर देंगे क्योंकि आपको पता है एक तो ठंड का मौसम है वैसे भी, और 2 तार की चाशनी गाढ़ी होती है, तुरंत जैसे आप डालेंगे सूख जाएगी। तो इस तरीके से डाल के भी आप मिला सकते हो थोड़ी थोड़ी, वरना मैं ये कहूँगी कि सारी एक साथ डालिए और अच्छे से मिला लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं, लेकिन इतनी क्वांटिटी अगर है 1/2 किलो की तो आप कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मिला के, लेकिन छोड़ना बिल्कुल नहीं है वरना वो उसी पे सेट हो जाएगी। इस तरीके से सारे पे इस तरीके से घुमा घुमा के डालिए और एक एक साइड से मिक्स भी करते रहिए इस तरीके से, और फिर इसे छोड़ दीजिएगा 10 मिनट के लिए। और फिर अच्छे से इसे 10 मिनट जब आप छोड़ेंगे सेट हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा गर्मी में, और सारा शुगर कोटेड हो जाएगा और बहुत टेस्टी बनते हैं। मेरी बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ऑफकोर्स मुझे भी बहुत पसंद है। तो इस तरीके से घुमा घुमा के आपको अच्छे से सारे को शुगर कोट कर लेना है, क्योंकि आप जब मिलाएंगे तो आप देख रहे होंगे जो करछी है वो रफ चल रही है क्योंकि ये सेट हो जाता है। अभी तो विंटर का वेदर है तो बिल्कुल ऐड होते ही शुगर सेट हो जाता है। तो आधी हमने डाल दी है, आधी हम दोबारा से डाल लेंगे और सारे को मिक्स कर लेंगे। तो बस होप्स हो कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ठंडा होने के लिए ज़रूर छोड़ना है इसको, इसीलिए मैंने बड़े बर्तन में लिया है इस तरीके से। और जो चाशने का बर्तन होता है उसे तुरंत आप भिगो दीजिए वरना उसे पूरी वो उसी में सेट हो जाती है। तो चलिए जी, ये रेडी हो गई है हमारे शक्करपारे। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर करना। मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हो तो लाइक शेयर बनता है, और कोई सजेशन हो तो कमेंट करके आप सजेशन भी दे सकते हैं। कोई स्पेशल वीडियो आप देखना पसंद करते हैं या स्पेशल रेसिपी तो लेट मी नो, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे कोई वीडियो रिक्वेस्ट करेंगे। कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देते हैं। आप लोगों के लिए तो मैं वीडियो बनाती हूँ, होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो एंजॉय, हेल्थ बीस हेल्दी बीस हैप्पी, स्टे हैप्पी, टेक केयर।